वेलकम बैक टू माई चैनल सो गाइज आज का वीडियो है अबाउट माई हेयर मास्क रूटीन सो आपको मैं आज बताने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर एक डी आई वाई मास्क जो कि बहुत ही ईजीली रेडीली अवेलेबल इन्ग्रीडियंट्स से मिलकर बनेगा सिर्फ दो इन्ग्रीडियंट्स यूज करने वाली हूँ मैं इस डी आई वाई मास्क पे और मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगी एक डेमो वीडियो ऑल्सो जो कि मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है मैंने कल वो डेमो पार्ट रिकॉर्ड कर लिया है सो so, उसमें मैंने अपने हेयर्स पे ये मास्क लगाया है और उसके बाद मैंने दिखाया है आपको कि मेरे बालों में क्या चेंजेस आए हैं सो so, इवन आप भी बताइएगा अगर आपको कोई चेंजेस या डिफरेंस फील होते हैं मेरे बालों के अंदर तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि डिड यू फील एनी डिफरेंस इन माई हेयर और नॉट सो गाइज बिफोर स्टार्टिंग विद दिस वीडियो मैं एक और बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि मैंने ये डी आई वाई मास्क यूज़ करना क्यों स्टार्ट किया सो द रीज़न बिहाइंड इज़ कि ड्यू टू वेदर चेंज ये वेदर चेंज जो हो रहा है सडन एकदम से सर्दियों से गर्मियाँ जो आ रही हैं उस वजह से मेरे जो बाल हैं वो काफ़ी ड्राई रहने लग गए हैं और इस ड्राइनेस की वजह से जो शाइन होती है हमारे बालों की जो नेचुरल शाइन होती है वो बिल्कुल वैनिश हो गई है बिल्कुल भी नहीं है अभी जो देख रहे हो आप ये बिकॉज़ ऑफ माई डी आई वाई मास्क है क्योंकि मैंने ये मास्क कल अप्लाई किया था और ये आपको जो मेरे बाल शाइन शाइन होते हुए दिख रहे हैं ये उसी की वजह से शाइन कर रहे हैं प्लस मेरे को काफ़ी स्प्लिटिनस की प्रॉब्लम हो गई है एंड्स पे बहुत सारे स्प्लिटिनस हैं और उसकी वजह से मेरे बालों में काफ़ी ब्रेकेज हो रहा है सो ये उसको भी ट्रीट करता है सो so, मेरे बालों को मुझे एक्स्ट्रा नरिशमेंट देना था दिस इज़ द रीज़न आई स्टार्टेड यूजिंग दिस हेयर मास्क और ये जो मास्क है मैं आई ट्राई यूजिंग वंस अ वीक आपको करना चाहिए अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हैं तो वंस अ वीक आपको डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए इसको और जब भी मैं हेयर वॉश करती हूँ तो मैं अपने बालों को ऑयलिंग करती हूँ अच्छे से ओवरनाइट ऑयलिंग करके रखती हूँ मैं अपने बालों को एंड देन एक माइल्ड शैम्पू से हेयर वॉश कर लेती हूँ माइल्ड शैम्पू का मतलब ये है कि इट शुड बी सल्फेट फ्री इट शुड बी पैराबिन फ्री सो नाव लेट्स विद अ वीडियो सो so, आज मुझे मेरे हेयर्स को डीप नरिशमेंट देना था तो मैंने ओवरनाइट हेयर ऑयलिंग की है और अगर आप लोग जानना चाहते हो कि मैंने कौन सा हेयर ऑयल अप्लाई किया है तो उसके लिए मैं लिंक ऊपर प्रोवाइड कर दूंगी, ये भी एक डी हेयर ऑयल है जो कि मैंने फेस पे यूज़ करने के लिए सजेस्ट किया था इन विंटर्स तो उसी हेयर ऑयल को आप हेयर्स पे भी अप्लाई कर सकते हो सो so नाउ मैंने यूज़ किया है कर्ड एंड हनी फॉर माय हेयर मास्क मैंने एक कटोरी दही लिया है और एक चम्मच हनी लिया है और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है आफ्टर दैट आपको अपने बालों को एकदम टैंगल फ्री करना है अच्छे से कोम कर लो इसको एकदम टैंगल फ्री कर लो एंड देन आपको मिडिल पार्टिंग करके आपको इसको अप्लाई करना स्टार्ट करना है और मैं इसको अपने हाथों से ही अप्लाई करूंगी बिकॉज आई लव डूइंग मसाज ऑन माई हेयर कर्ड इसलिए यूज किया है मैंने बिकॉज इट इज रिच इन प्रोटीन कैल्शियम जिंक मैग्नेशियम एंड पोटेशियम ये बहुत ही अच्छे से बालों को नरिश करता है और अगर आपके डेंडरफ है या इची स्कैल्प है तो तब भी यू कैन यूज बाय मिक्सिंग सम लेमन बिकॉज इट हैज एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज इन इट और हनी में होती है बहुत एमोलियंट एंड ह्यूमेक्टेंट प्रॉपर्टीज़ तो ये बहुत ही अच्छे से आपके हेयर्स को मॉइस्चराइज़ करता है एमोलियंस आपके बालों को स्मूथ करेगा आपके हेयर फॉलिकल्स को स्मूथ करेगा और आपके डल हेयर पे शाइन ऐड करेगा ह्यूमेक्टेंट्स जो होते हैं वो वाटर मॉलिक्यूल से बॉन्ड करके ड्राई स्टैंड्स को मॉइस्चराइज़ करते हैं और मॉइस्चर को लॉक करते हैं आपके हेयर्स में सो so, आपको इसको अच्छे से रूट से एंड तक लगा के एक आवर के लिए छोड़ देना है और फिर इसको माइल्ड शैम्पू से आपको वॉश कर लेना है सो कैन यू ऑल सी द इंस्टेंट शाइन ऑन माई हेयर्स दिस इज अमेजिंग और मेरे हेयर्स काफी सॉफ्ट भी फील हो रहे हैं मुझे सो आई हाईली हाईली रिकमेंड यू गाइज टू ट्राई दिस वंस एंड कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना दैट अगर आपने इस मास्क को ट्राई किया है तो डिड यू फील Any changes in your hair, did you find it beneficial? That's all for today, guys. Thank you so much for watching. If you liked my video and if you found it interesting, then don't forget to press the like button. And if you're new to my channel, don't forget to subscribe, hit the bell icon. Bye bye!